बाहुबली निर्देशक एस.एस. राजामौली की आर.आर.आर. के रिलीज होने के बाद एक्ट्रेस आलिया भट्ट और निर्देशक के बीच कुछ मतभेद की खबरें काफी सुर्खियों में थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि आर.आर.आर. अपने सीन्स पर कैंची चलने के कारण आलिया नाराज है और इसी के कारण उन्होंने आर.आर.आर. से जुड़े भी पोस्ट डिलीट कर दिए थे। इन अफवाहों को विराम देते हुए उन्होंने एक बयान जारी किया था, लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि आलिया भट्ट ने एस.एस. राजामौली की अगली फिल्म के लिए उनसे हाथ मिला लिया है। इस फिल्म में आलिया महेश बाबू के साथ रोमांस करती हुई दिखाई देंगी। इस जानकारी को साउथ के फिल्म क्रिटिक और ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर उमेर संधु ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था और अब ये कंफर्म जानकारी है कि सुपरस्टार आलिया भट्ट एस.एस. राजामौली के अगले फिल्म में सुपरस्टार महेश बाबू के साथ रोमांस करती हुई दिखेंगी, जिसकी शूटिंग अप्रैल 2023 में शुरू होगी। हाल ही में न्यूज एजेंसी ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि राजामौली में महेश बाबू के साथ अपनी अगली फिल्म का ऐलान किया है। हालांकि रिपोर्ट में फीमेल लीड्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। फिल्म के बारे में बताते हुए निर्देशक ने कहा, मैं कहानी पर काम करने की कोशिश कर रहा था। कहानी को पूरी तरह से लिखने में आम तौर पर 6 से 7 महीने लगते हैं और इसके बाद वो अपना अगला कदम तय करते हैं। उन्होंने आगे कहा, शूटिंग के लिए तैयार प्री विजुअलाइजेशन और प्री प्रोडक्शन में आने में लगभग 8 महीने लगते हैं, इसलिए ये प्रोजेक्ट इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। जब तक महेश बाबू अपने आने वाले सभी प्रोजेक्ट की शूटिंग को खत्म कर लेंगे। वहीं इन दिनों बाहुबली निर्देशक छुट्टी पर है और आरआरआर की शानदार सफलता का जश्न मना रहे हैं।